वीरू सरपंच जी का बड़ा धन्यवाद है यहाँ पे पूरी कॉलोनी में। एक तो वीरू सरपंच ने पहले भी काम कराई है। हाँ जी, हाँ हाँ। मैं योगेश कटारिया, गंगा विहार कॉलोनी का प्रधान। शंकर विहार से लेके साहिब कुंज गंगा विहार लेते हुए सिविल लाइन डलवा रहे हैं, प्रधान जी डलवाए थे आज 3-4 साल पहले, इस वजह से जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर तक। 5 से 6 किलोमीटर क्या? सिविल लाइन। 5 से 6 किलोमीटर सिविल लाइन डलवाए हैं प्रधान जी ने। पहले कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। प्रसाद गंगा विहार के रहने वाले हैं। वीरू सरपंच जी का बड़ा धन्यवाद है यहाँ पे पूरी कॉलोनी में। एक तो आप पानी डलवाया और अभी भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं वो, और जितनी रोडें बनी हुई बनने के बाकी हुई हैं वो बनाने के लिए हाँ भर रखा है उन्होंने। मैं श्याम सिंह कटारिया, गंगा विहार कॉलोनी, और जो ये कार्य हो रही है वीर सिंह प्रधान जी की रेख रेख में उन्होंने कराए हैं। शिवर लाइन, रोड, पानी सब उन्होंने ही कराया है, ठीक है जी। भाई आप टेल्स देख सकते हो, ये रोड देख सकते हो, सब कुछ उन्हीं की देन है, सब कुछ उन्होंने ही कराया है। क्या पानी की व्यवस्था हुई? जी, मीठे पानी की व्यवस्था वीर सिंह बीरजू जी ने ही कराई है। कैसे मीठा पानी? पाइप? हाँ जी, सप्लाई का पानी उन्होंने लगाया, शिवर लाइन भी उन्होंने डाल दिया है। अब रोड का कार्य आप देख रहे हो, वही करा रहे हैं अपने कोर्ट से, सब कुछ सब उन्हीं की बदौलत हो रहा है गंगा विहार में। नहीं तो यहाँ पार्षद है, विधायक है और नगर निगम भी है, तो क्या नहीं हो रहा? नहीं, नगर निगम की वजह से यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, ना विधायक की उससे हो रहा है, ना नगर निगम की वजह से कुछ हो रहा है। विधायक का कार्यालय भी तो बगल में, कहाँ पे है? चौक पे। तो विधायक का सुनवाई नहीं कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वीर सिंह जी करा रहे हैं यहाँ पे। मैं योगेश कटारिया, गंगा विहार कॉलोनी का प्रधान। आज हम सब गंगा विहार निवासी प्रधान जी के पास इनका धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि चैने जेब से पैसा खर्च करके और तब हमारा काम वहाँ पर सीवर लाइन हुआ, पानी हुआ, या अब रोड बनाने का काम ही इन्होंने अपने पर्सनल निजी कोष से किया है। यहाँ तक कि सीवर सफाई के लिए भी हमारे लिए मशीन इन्होंने अपनी निजी कोष से खरीद करके हमारे गंगा विहार वालों के सीवर सफाई का अभियान चला रखा है। यहाँ के पार्षद है, विधायक है, यहाँ के जो पार्षद है, विधायक है, जो सरकार है, उनके पास जाने पर यही जवाब मिलता है कि जी ये अनऑथराइज कॉलोनी है, यह हम पास कराएंगे, उसके बाद काम होगा, इससे पहले कोई देखरेख करने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।